सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं खबर की ओर। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बिजनौर में शाम 4 बजे आगमन होगा। प्रदेश के मुखिया के 2 दिनों तक चलने वाले दौरे को लेकर अफसरों ने जिले में डेरा डाल लिया है। एडीजी राजकुमार और डीआईजी शलभ माथुर ने बिजनौर पहुंचकर सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया। वहीं शहर से लेकर मालन नदी तक तट तक तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए अधिकारी और कर्मचारी जुटे रहे। बता दें कि जिले में 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे सीएम योगी 181 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और 54 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। जिले को सीएम योगी कुल 235 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। इसी के साथ नई पुलिस लाइन और कलेक्ट्रेट सभागार का उद्घाटन भी सीएम योगी करेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता तुषार वर्मा हमसे जुड़ेंगे। तुषार, बिजनौर दौरे पर हैं सीएम योगी, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? देखिए मयूरी, मैं आपको बता दूं कि जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ बिजनौर जनपद के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। आज 4:10 पर उनका चौपर यहां पर बिजनौर में लैंड करेगा। जो सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, ये बिजनौर जनपद को 235 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे, जिसकी तैयारियां जोरों पर पूरी हो चुकी हैं। जो सभा स्थल है उसको भी तैयार कर लिया गया है और जो सीएम योगी हैं इनकी सुरक्षा व्यवस्था एकदम बिल्कुल चाक चौबंद रहेगी। उसके लिए त्रिस्तरीय सुरक्षा का घेरा बनाया गया है, जिसमें बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मेरठ से पुलिसकर्मी बुलाए गए हैं उनकी फोर्स के लिए, और जो पैरामिलिट्री फोर्स है वहाँ भी वो भी तैनात रहेगी। मैं आपको बता दूं कि बिजनौर के जो नवनिर्मित पुलिस लाइन जो बन रही है उसका लोकार्पण करेंगे सीएम योगी। उसके बाद बिजनौर का जो कलेक्ट्रेट है वहाँ पर जो एक सभागार बनाया गया है उसका लोकार्पण करेंगे, साथ ही योजनाओं की सौगात करेंगे और लोकार्पण करेंगे, शिलान्यास करेंगे। जी, उनके बिजनौर दौरे के दौरान कौन कौन लोग उनके साथ मौजूद रह सकते हैं? देखिए, अभी कयास लगाए जा रहे हैं कि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी वो उनके साथ आ सकते हैं और तमाम ऐसे नेता होंगे जो उनके साथ आ सकते हैं, लेकिन बिजनौर में मुख्यमंत्री का 2 दिवसीय दौरा रहेगा। आज वो 4:10 पर आएंगे, फिर रात्रि विश्राम भी उनका गेस्ट हाउस में रहेगा, कल वो फिर सुबह में निकलेंगे और सुबह में जो मेडिकल कॉलेज जो जिसका निर्माण चल रहा है उसका भी निरीक्षण करेंगे, उसके बाद वो रामपुर जिले के लिए चले जाएंगे। जो सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो कल एडीजी और डीआईजी भी कल यहाँ पर थे, अपनी नजर बनाए हुए थे, अब पूरी सुरक्षा व्यवस्था उनकी चाक चौबंद रखी गई है। जी, वहां बिजनौर में करोड़ों की सौगात दे रहे हैं सीएम योगी, तो इससे आम जनता को क्या कुछ फायदा मिलेगा? देखिए, जो योजनाएं हैं उनका लोकार्पण होगा, शिलान्यास होगा, कुल 235 करोड़ की जो योजनाएं हैं उसकी सौगात जनपद बिजनौर को मिलने जा रही है। उसके लिए जो आम जनता है कहीं ना कहीं वो खुशी होगी उन्हें कि जनपद में अच्छे बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, क्योंकि अभी हाल ही में सीएम योगी ने मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया था, उसका भी उनके द्वारा निरीक्षण किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं जनता जो है वो काफी खुश है भाजपा सरकार में कि भाजपा सरकार में काम हो रहा है, जमीनी स्तर पर हो रहा है। ये दौरा उनका कब तक चलेगा? आज देखिए 4:10 पर उनका चौपर लैंड करेगा, फिर वो बैठक करेंगे, योजनाओं की सौगात देंगे, उसके बाद वो रात्रि विश्राम करेंगे, जो उनके पार्टी के पदाधिकारी हैं उनके साथ बैठक करेंगे, जो अधिकारी हैं जिले के उनके साथ उनकी मीटिंग रहेगी, फिर वो रात्रि विश्राम करेंगे, विश्राम के बाद सुबह को वो मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करेंगे और 11:30 वो रामपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। सीएम योगी मुरादाबाद के दौरे पर भी जाने वाले हैं, इसको लेकर क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, सीएम योगी जो है वो मुरादाबाद, पहले आज 11:00 उनका मुरादाबाद में दौरा है, उसके बाद वो जनपद बिजनौर के दौरे पर रहेंगे। 2 दिवसीय उनका बिजनौर में दौरा रहेगा, जिसकी तैयारियां जोरों शोरों पर की जा रही हैं। पार्टी की अगर बात करें तो पार्टी के जो भाजपा कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनमें भी खुशी देखी जा रही है और जगह जगह अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जनपद के 2 दिन पर रहेंगे बिजनौर में। मुरादाबाद की जनता को क्या कुछ सौगात दे सकते हैं? देखिए, मुरादाबाद की अगर बात करें तो वहाँ भी जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ की भी उनको शिलान्यास किया गया था पहले, और जो योजनाएं हैं उनकी भी सौगात दे सकते हैं मुरादाबाद में। धन्यवाद तुषार तमाम जानकारी के लिए।
कानपुर में धरती के भगवान कहे जाने वाले ने बाल श्रम अधिनियम की खुलेआम धज्जियां उड़ाते हुए मानवता को शर्मसार किया है। एमबीबीएस डॉक्टर ने मासूम बच्चों के हाथ झाड़ू थमाकर उनके भविष्य से खिलवाड़ किया है। एमबीबीएस डॉक्टर मासूम से साफ सफाई और झाड़ू पोछा करवा रहे हैं। बता दें कि शर्मनाक हरकत करने वाले हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राघवेंद्र त्रिपाठी हैं, जो सिगरेट के धुएं के छल्ले बनाने में माहिर हैं। बता दें कि ये पूरा मामला रावतपुर के नमक फैक्ट्री चौराहे के पास का है। कानपुर से इंसानियत को शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है, जहां मासूम बच्चों के हाथ में झाड़ू थमाकर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। एमबीबीएस डॉक्टर मासूम से साफ सफाई और झाड़ू पोछा करवा रहे हैं। बता दें कि शर्मनाक हरकत करने वाले हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राघवेंद्र त्रिपाठी हैं, जो सिगरेट के धुएं के छल्ले बनाने में माहिर हैं। बता दें कि ये पूरा मामला रावतपुर के नमक फैक्ट्री चौराहे के पास का है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता उपेंद्र हमसे जुड़ेंगे। उपेंद्र, डॉक्टर का शर्मनाक चेहरा सामने आया है, मासूम बच्चों के हाथ में झाड़ू पोछा लगवाया जा रहा है, इसको लेकर क्या जानकारी है आपके पास? जी मयूर, आपको पता चले कि पूरी तरह से मामला है ये एक बिल्कुल शर्मनाक मामला है, क्योंकि धरती के भगवान को डॉक्टर को धरती के भगवान कहा जाता है। और देखा जाए कहीं ना कहीं सार्वजनिक जगह पे जो धूम्रपान का जो निषेध है, उसके बावजूद भी ये ऐसा कार्य कर रहे हैं कि ये एक शर्मनाक है समाज के लिए भी और डॉक्टर के लिए भी। पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो नाबालिग बच्चों था जो ये कार्य करा रहे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, उसको देखे साफ साफ आता है कि जो श्रम अधिनियम के तहत अगर देखा जाए तो ये आरोपी हैं। और देखा जाए आप सवाल उठना ये है कि सबसे बड़ी बात यह कि कानपुर के जो सीएमओ हैं उनका वो इस अस्पताल का जो बिना मानक के लाइसेंस पास किया गया है, किस आधार पर पास किया गया है? अगर देखा जाए कहीं ना कहीं तो जो अग्निशामक यंत्र और उसके बाद देखा जाए तो कहीं ना कहीं क्या कहते हैं इसका स्वास्थ्य विभाग की टीम जो होती है उसकी जो लाइसेंस है वो बिना लाइसेंस के जो है पूरी तरीके से अवैध रूप से अस्पताल चल रहा था। तो अभी तक इस पर कुछ एक्शन लिया गया या नहीं? जी अगर देखा जाए तो ये पूरी तरीके से ये मेडिकल भाषा में देखा जाए तो ये एक सिंडिकेट पूरा तैयार है। अगर आज इस अस्पताल का लाइसेंस निरस्त किया जाता है तो कल ही इसी बिल्डिंग पे और इसी इमारत पे और इन्हीं इसी डॉक्टर को दूसरे नाम से अस्पताल अलाट कर दिया जाता है। ये एक पूरा काला कारोबार है। और ये कानपुर में देखा जाए तो लमसम 600 से 700 अस्पताल ऐसे हैं जो बिना लाइसेंस के चल रहे हैं, अवैध रूप से चल रहे हैं, जिनकी शिकायत सीएमओ को की जा चुकी है। उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो कार्रवाई के मामले में तो सीएमओ ऑफिस के जो बाबू हैं वो केवल नाम के लिए कार्रवाई कर देते हैं, उसके बाद कोई क्रिया काम नहीं होता है। डॉक्टर द्वारा इतनी शर्मनाक घटना को अंजाम दिया जा रहा है, इस पर स्वास्थ्य विभाग ने अभी तक कुछ एक्शन लिया या नहीं? जी अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया प्राइम टीवी ने जो खबर अभी चलाई थी उसके माध्यम से तो सीएमओ साहब को जानकारी मिली, सीएमओ साहब से फोन द्वारा बात की गई तो उनका साफ कहना था कि जो ये वीडियो है ये सोशल मीडिया में जब वायरल हुआ है इसके तहत जो है विधिक कार्रवाई की जाएगी और कहीं ना कहीं देखा जाए तो डॉक्टर पर सख्त सख्त कार्रवाई की जाएगी। पर सीएमओ का जवाब जो है संतुष्ट तरीके से ना मिलना, उनका साफ कहना है कि धूम्रपान किया है उसका दंड जो जुर्माना होगा वो जुर्माना ले लिया जाएगा उनसे, पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो डॉक्टर और ये समाज के लिए एक अभिशाप बनते जा रहा है। धन्यवाद उपेंद्र तमाम जानकारी के लिए। गोंडा में लगातार स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आ रही है। एक बार इलाज के लिए मनकापुर सीएससी पहुंचे बुजुर्ग की मौत हो गई। कहा जा रहा है कि इलाज के अभाव से बुजुर्ग की मौत हुई है और इस दौरान आपसी मतभेद को लेकर स्वास्थ्य कर्मी धरने पर बैठे थे। जिले में स्वास्थ्य विभाग की लचर व्यवस्था को लेकर लोगों का कहना है कि कहीं ठेले पर हो रहा इलाज तो कहीं मरीजों को एम्बुलेंस व स्ट्रेचर नहीं मिल रहा है। लगातार शिकायतों के बाद भी आला अधिकारियों की नींद नहीं टूट रही है। आप कौन है यहाँ पर?
हम स्टाफ नर्स हैं। यहाँ पर मनकापुर में धरना प्रदर्शन किस प्रकार से क्या चल रहा है, क्या मामला है? धरना प्रदर्शन इसीलिए चल रहा है कि सुषमा मैडम सुबह सुबह आती हैं, सारे जगह का फोटो खींचती हैं, सबको अभद्र गाली गलौज उल्टा सीधा बोलती हैं और निजी मतलब जो भी कार्य हम लोग करते हैं उसको सुचारू रूप से करने नहीं देती हैं। ऑपरेशन आज तक उन्होंने एक भी नहीं किया, ऑपरेशन वाले मरीज से पर्चा छीन के इधर उधर प्राइवेट नर्सिंग होमों में या इधर उधर टॉर्चर करके भेज देती है। आपकी मांग क्या है? हमारी मांग है सुषमा मैडम को यहाँ से हटाया जाए, अगर जो हम लोग सुचारू रूप से काम कर सकते हैं। तो आपका धरना आज समाप्त हो जाएगा या अभी आगे चलेगा? गोड्डा में लगातार स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही देखने को मिल रही है। इस बार इलाज के लिए मनकापुर सीएचसी पहुंचे बुजुर्ग की मौत हो गई। कहा जा रहा है कि इलाज के अभाव से बुजुर्ग की मौत हुई है और इस दौरान आपसी मतभेद को लेकर स्वास्थ्य कर्मी धरने पर बैठे थे। जिले में स्वास्थ्य विभाग की लचर व्यवस्था को लेकर लोगों का कहना है कि कहीं ठेले पर इलाज हो रहा है तो कहीं मरीजों को एम्बुलेंस व स्ट्रेचर नहीं मिल पा रहा है। गोंडा में लचर व्यवस्था देखने को मिल रही है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता काशिद हमसे जुड़ेंगे। काशिद, गोंडा में लगातार स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आ रही है, इलाज के अभाव से बुजुर्ग की मौत हो गई है, इसको लेकर क्या जानकारी है आपके पास? काशिद से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। बता दें, गोंडा से लगातार स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आ रही है। इस बार इलाज के लिए मनकापुर सीएससी पहुंचे बुजुर्ग की मौत हो गई। कहा जा रहा है कि इलाज के अभाव से बुजुर्ग की मौत हुई है और इस दौरान आपसी मतभेद को लेकर स्वास्थ्य कर्मी धरने पर बैठे थे। जिले में स्वास्थ्य विभाग की लचर व्यवस्था को लेकर लोगों का कहना है कि कहीं ठेले पर इलाज हो रहा है तो कहीं स्ट्रेचर नहीं मिलता। गोंडा में लगातार स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही देखने को मिल रही है। बता दें कि इलाज के अभाव से बुजुर्ग की मौत हो गई। मनकापुर सीएससी पहुंचे बुजुर्ग की मौत हो गई, कहा जा रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता काशिद हमसे जुड़ेंगे। राशिद हमसे जुड़ेंगे। राशिद, गोंडा में लगातार स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आ रही है, इस बार इलाज के अभाव से बुजुर्ग की मौत हो गई है, इसको लेकर क्या जानकारी है आपके पास? देखिए मयूरी, सबसे पहले बता दें जिस तरीके से जनपद गोंडा में अगर स्वास्थ्य महकमे की बात की जाए तो लापरवाही हमने के नाम नहीं ले रहे हैं। सबसे पहले गोंडा में कुछ दिन पहले जिस तरीके से बेटे के गोद में पिता ने दम तोड़ा, उसके बाद सीएससी पहुंचे, इलाज के लिए ठेले से लाया गया, उसे ओपीडी में ले जाने के बजाय ठेले पे ही ग्लूकोस और उपचार शुरू कर दिया। उसके बाद बीते कुछ दिन पहले मुजैना सीएससी में जिस तरीके से एक नवजात शिशु के जानमर के निवाला बन गया और उसकी दर्दनाक मौत हुई। उसके बाद आज बीते दिनों जिस तरीके से मनकापुर सीएससी में जो स्टाफ नर्स और लोग जो थे जिस तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, उस प्रदर्शन में एक मरीज लाचार जो था तीमारदार रोता रहा, बिलखता रहा, चीखता रहा और इलाज के लिए भीख मांगता रहा और जिस तरीके से लापरवाही के कारण उस मरीज बुजुर्ग की मौत हो गई, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य महकमे के जिम्मेदार आला अधिकारियों पर कई सवाल खड़े होते हैं। वहीं आपको बताते चले, आपको बता दें कि जिस तरीके से डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक गोंडा दौरा किया और स्वास्थ्य महकमे को लेकर जो जिम्मेदार आला अधिकारी हैं उन्हें फटकार भी लगाई कि जो गोंडा के स्वास्थ्य महकमे हैं, जो लोग इलाज कराने के लिए आते हैं उन्हें बेहतर इलाज दी जाए, लेकिन ना ही डिप्टी सीएम की बातों पर अमल किया जा रहा है, ना जिले प्रशासन के जो जिम्मेदार आला अधिकारी हैं उन पर अमल किया जा रहा है। जी आयुष, राशिद, इलाज के अभाव से बुजुर्ग की मौत हुई, इसमें किसकी लापरवाही सामने निकल कर आई है? देखिए, जिस तरीके से जो बुजुर्ग था इलाज के लिए वो सीएससी मनकापुर पहुंचा और जो सीएससी मनकापुर के कर्मचारी स्टाफ थे जो अपनी मांगों को लेकर वो वहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, वो ये भूल गए कि यहाँ कोई मरीज है, उसको इलाज की जरूरत है, उसको दवा की जरूरत है। इसे साफ तौर से जिस तरीके से है साफ तौर से कहा जा सकता है कि जो सीएससी के जो जिम्मेदार स्टाफ नर्स कर्मचारी अधीक्षक हैं उनकी लापरवाही देखने को मिल रही है। जी
तो राशिद, अभी पुलिस प्रशासन की तरफ से या स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई कार्रवाई की गई है? देखिए, वही प्रशासन का रटा रटाया बात है कि जांच के लिए टीमें गठित कर दी हैं और जांच की जा रही है, और जो जांच के बाद जो दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। यानी कह सकते हैं जो प्रशासन है, स्वास्थ्य महकमे के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, वो सिर्फ कार्रवाई का झुनझुना बजाते हैं, और जब कार्रवाई की बात आती है तो वो पूरे मामले को ठंडे बस्ते में दबा देते हैं। राशिद, क्या वजह है कि अस्पताल के कर्मचारी धरने पर बैठे हैं? देखिए, वहाँ पर एक रश्मि करके हैं, उन पर ये आरोप लग रहा है, जो कर्मचारी हैं वो आरोप ये लगा रहे हैं कि काम जो समय से हम लोग आते हैं, फर्जी तरीके से दबाव बनाया जाता है, फर्जी तरीके से प्रेशर बनाया जाता है, बहुत सारी चीजें हैं जिसको लेकर वहाँ के कर्मचारी धरने पर बैठे थे। कर्मचारियों के धरने पर बैठने से मरीजों को, तीमारदारों को कई समस्याएं झेलनी पड़ रही है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? बिल्कुल, सवाल तो कई खड़े होते हैं, और सवाल पूछने के बाद जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो कार्रवाई का झुंझुना बजाते हैं, पलरा झाल लेते हैं। लेकिन जिस तरीके से जो तस्वीरें हैं, जनपद गोंडा की बात की जाए, शहर से लेकर जो गाँव में PSC और CSC बनाए गए हैं, तकरीबन सब जगह के स्वास्थ्य जो महकमे हैं वो लाचार दिख रहे हैं। धन्यवाद राशिद तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं